बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आरडी शर्मा बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है नंबर सिस्टम्स। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 5। देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि -2 और 5 के बीच में हमको 3 रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो चलिए, जैसे आप पहले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया है कि पहले एक नंबर नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, -2 लिखते हैं और यहाँ पे 5 लिखते हैं। अब -2 और 5 के बीच में हमको 3 रैशनल नंबर निकालना। मान लीजिए यहाँ 1 रैशनल नंबर, 2, 3 नंबर रैशनल नंबर निकालना है। तो हमने क्या एक फॉर्मूला बताया था कि -2 a इक्वल टू कितना है, -2 और b इक्वल टू कितना है, ये 5 है। तो हमने क्या एक फॉर्मूला बोला था कि किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या एक फॉर्मूला रखता है, a+b/2। अब हम लोग क्या करते हैं कि a की जगह कितना आ गया, -2 है, और बी के जमा कितना है, 5 है, और डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो गया ये, -2, दैट इज 3/2। मतलब -2 और 5 के बीच में एक रैशनल नंबर कितना हो गया, 3/2 हो गया। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, -2 और 3/2 के बीच में ना भी एक रैशनल नंबर निकालते हैं ना। क्या लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं ना, ए इक्वल टू मान लेते हैं फिर कितना, -2 और b इक्वल टू कितना मान लेते हैं, b इक्वल टू 3/2 के बीच में हम एक रैशनल नंबर निकालते हैं। तो क्या a+b/2 करते हैं फॉर्मूला में, तो -2 और +b के जगह कितना, 3/2 और डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसको कैसे लिखते लिखेंगे, दैट इज एलसीएम, -4+3/2/2, दैट इज इक्वल कितना गया, -1/2 × 1/2। तो कितना हो गया मेरा, -1/4। मतलब क्या हो गया, -2 और b 3/2 के बीच में और एक क्या रैशनल नंबर आ गया, -1/4। मतलब माइनस, यहाँ पर देखिए -2 और 3 के बीच में 1/-1/4 एक रैशनल नंबर आ गया। फिर हम क्या करते हैं, 3/2 और b 5 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, a=3/2, b = कितना लेते हैं, 5। तो आप क्या करते हैं, a+b/2 करते हैं, तो a = कितना आ गया, 3/2 + b/2। तो ये क्या, 3+5 एलसीएम 2 आया, तो 10/2 × 1/2 आया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, 10 13/2 × 1/2, तो मेरा कितना हो गया, 13/4। इसका मतलब क्या हो गया, 3/2 और 5 के बीच में क्या एक रैशनल नंबर आ गया, 13/4। तो मेरा कितना, हमको क्वेश्चंस में कितना रैशनल नंबर निकालने बोल रहा था कि 3। तो -1/4 एक रैशनल नंबर हो गया, 3/2 और 13/4 एक रैशनल नंबर हो गया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज -2 इज ग्रेटर देन -1/4 इज ग्रेटर देन 3/2 इज ग्रेटर देन 13/4 इज ग्रेटर देन 5। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।